हाय, आई एम डॉक्टर भाग्यश्री। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हील विथ होम्योपैथी में। क्या आप कन्फ्यूज है कि आपका BHMS कंप्लीट होने वाला है और आप आगे क्या करोगे? आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा? तो आज मैं आपका कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करूँगी। मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाया है ताकि आपको कुछ ऑप्शंस पता चल सके कि BHMS कंप्लीट करने के बाद आपके लिए क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। तो आइए जानते हैं BHMS कंप्लीट होने के बाद हमारे पास क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो सबसे पहला, एज अ डॉक्टर हम खुद का क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा, हम एज अ मेडिकल ऑफिसर जॉब कर सकते हैं। तीसरा, हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज कर सकते हैं। चौथा, मैनेजमेंट कोर्सेज कर सकते हैं। पाँचवा, रिसर्च में जा सकते हैं। और सिक्स्थ और लास्ट जो है, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको खुद का क्लिनिक स्टार्ट करना है तो ये कुछ कोर्सेज जो है आपको कंसिडर करने चाहिए। सबसे पहला, मास्टर्स इन साइकोलॉजी। मास्टर्स इन साइकोलॉजी ये 2 साल का कोर्स है। ये अगर आप कोर्स करते हैं तो सबसे पहले तो आप एज अ साइकोलॉजिस्ट की तरह काम कर सकते हैं। सेकेंड, आप इस साइकोलॉजी पढ़ा सकते हैं। थर्ड, ये आपको आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि एज अ होम्योपैथ आपको पता है कि हिस्ट्री टेकिंग या फिर केस टेकिंग कितना इम्पोर्टेंट होता है, और साइकोलॉजी उसमें हमको काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो ये जो है मास्टर्स इन साइकोलॉजी अगर किए तो हम लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। दूसरा कोर्स जो है वो है मास्टर्स इन डाइटिक्स एंड न्यूट्रिशन। ये कोर्स अगर आप करते हैं तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट बात कि आप किसी बड़े हॉस्पिटल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं एज अ डाइटिशियन। दूसरा जो है, आप किसी बड़े जिम या फिर हेल्थ और वेलनेस कोच के साथ ज्वाइन होके जो है आप काम कर सकते हैं। और तीसरा, आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी इसकी काफ़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी डायबिटीज़ के पेशेंट, किडनी रिलेटेड पेशेंट या फिर लीवर रिलेटेड पेशेंट जो होते हैं, लीवर डिजीज़ रिलेटेड पेशेंट होते हैं या फिर ओबेस पेशेंट होते हैं, उनके लिए डाइट प्लान देना होता है, उनको डाइट समझानी होती है, तो इसका भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो अगर ये कोर्स आप करते हैं तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। फिर तीसरा है मास्टर्स इन ट्राइकोलॉजी। ट्राइकोलॉजी जो है ये रिलेटेड टू हेयर एंड स्काल्प, तो डिजीज़ रिलेटेड टू हेयर और स्काल्प के बारे में आप इसमें जानते हैं, पढ़ते हैं और इसमें क्या ट्रीटमेंट देते हैं, तो लोग ये भी करते हैं। इसके अलावा और एक है सर्टिफिकेशन इन कॉस्मेटोलॉजी। आजकल जो है ब्यूटी और वेलनेस का ज़माना है, तो बहुत लोग इसके तरफ जा रहे हैं और ये लोग करते हैं। और इसके अगर आप ये कोर्स करते हैं तो इसके बाद जो है आप खुद का सेटअप लगा सकते हैं और इसकी स्किन ट्रीटमेंट जो है दे सकते हैं। तो अगर आप खुद का क्लिनिक स्टार्ट कर रहे हैं तो ये जो है ये कुछ कोर्सेस है जो आप कंसिडर कर सकते हैं। BHMS कंप्लीट होने के बाद अगर आपको खुद का क्लिनिक नहीं डालना है तो आप एज अ मेडिकल ऑफिसर भी जॉब कर सकते हैं। बड़े हॉस्पिटल्स में एज अ मेडिकल ऑफिसर, रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर की तरह जॉब मिलता है, जॉब कर सकते हैं। और हॉस्पिटल्स के अलावा इंश्योरेंस कंपनीज भी BHMS ग्रेजुएट्स को एज अ मेडिकल ऑफिसर रिक्रूट करते हैं। तो यहाँ जो इंश्योरेंस कंपनी में जो जॉब होता है वो नॉन क्लिनिकल प्रोफाइल होता है। वहाँ पे आपको जो है क्लेम सेटलमेंट और डॉक्यूमेंट्स और पेपर वर्क जो है वो करना होता है। तो आप ये भी जॉब कर सकते हैं। आप BHMS कंप्लीट करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज भी कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, जिसे हम MD भी कहते हैं। आपका ये 3 साल का कोर्स होता है। इसमें आप ऑर्गेनॉन ये सब्जेक्ट लेके कर सकते हैं, मटेरिया मेडिका ये सब्जेक्ट लेके कर सकते हैं, रेपर्ट्री फार्मेसी ये सब्जेक्ट लेके कर सकते हैं। इसमें कुछ और नए एडिशन भी है, जैसे पीडियाट्रिक्स ये सब्जेक्ट लेके कर सकते हैं, मेडिसिन ये सब्जेक्ट लेके भी कर सकते हैं, और साइकेट्री।
और कुछ इसके अलावा जो है इन अभी नया इंडोक्राइनोलॉजी को लेके भी आया है, तो वो आप ये पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। इसका इसका इम्पोर्टेंस ये है कि अगर आपको लेक्चरशिप करनी है या फिर आपका टीचिंग पैशन है तो आपको MD या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कंपलसरी है। अगर आप BHMS करने के बाद आप सोचते हो कि आपको लेक्चरशिप मिलेगी तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होते हो। BHMS कंप्लीट करने के बाद आप मैनेजमेंट के कोर्सेज भी कर सकते हैं, जैसे MBA इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट। ये कोर्स करने के बाद आपको बड़े हॉस्पिटल्स में एज ए मैनेजर का जॉब मिल सकता है। इसके अलावा आप MBA इन एडमिनिस्ट्रेशन, ये कोर्स करने के बाद जो है आपको एज ए एडमिनिस्ट्रेटर का जॉब मिल सकता है बड़े हॉस्पिटल्स में। फिर हम लोग आते हैं क्लिनिकल, फिर हम लोग आते हैं रिसर्च इसिस में। तो होम्योपैथी में आपको CCRH ये ऑर्गेनाइजेशन एज अ होम्योपैथिक रिसर्च फेलो की तरह आपको जॉब रिक्रूट करती है, जॉब देती है। इसके अलावा कुछ कंपनीज़ है जो क्लिनिकल रिसर्च के कोर्सेस निकालती है, उसमें आप वो कोर्सेस करके फिर फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में लग सकते हैं। और फिर मेडिकल कोडिंग आता है, जिसे हम मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, इसके भी कुछ कोर्सेस आए हैं, ये भी आजकल बहुत चल रहा है। इसके कोर्सेस करने के बाद भी आपको जॉब मिल सकती है, लेकिन ये जो है सारे एलोपैथिक इसमें आता है, मेडिसिन्स जो है एलोपैथिक मेडिसिन फार्मास्यूटिकल इसमें आपको जॉब मिलेगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में। गवर्नमेंट जॉब्स अगर करनी है तो आपको जो है उसका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना होता है, चाहे वो UPSC हो या फिर MPSC हो। इससे रिलेटेड आपको जो है उसकी प्रिपरेशन करनी होती है और उसके बाद आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। BHMS कंप्लीट करने के बाद कुछ बड़ी कंपनीज़ भी है जो BHMS कैंडिडेट को रिक्रूट करती है, उसमें से कुछ नाम ऐसे हैं। सबसे पहले कंपनी है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जो एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर रिक्रूट करती है। फिर दूसरी है एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर, ACTREC, ये दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, वो एज अ क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर की तरह BHMS ग्रेजुएट को रिक्रूट करती है। फिर राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइज़र लिमिटेड RCFL, ये भी रिक्रूट करती है एज ऑनररी डॉक्टर। और एक है राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, ये एज अ मेडिकल अटेंडेंट की तरह आपको BHMS ग्रेजुएट्स को रिक्रूट करती है। उसके अलावा और एक नाम है मेडी असिस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये भी BHMS ग्रेजुएट को जो है रिक्रूट करती है। तो ये थे कुछ बड़े कंपनीज़ के नाम जो BHMS ग्रेजुएट्स को जो है रिक्रूटमेंट देते हैं। तो ये थी कुछ डिटेल्स, और मुझे लगता है कि इससे आपका काफ़ी कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। तो अगर अभी भी आपको कुछ क्वेरीज़ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।